Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय जिस जिसपे चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि यह विषय बेसिकली किस चीज़ की बात करती है इसको भी बताएंगे और ये लेक्चर नंबर थर्टीन है मेरा इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ट्वेल्व लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है और उस पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया है तो ये तेरहवाँ लेक्चर है इसकी भी बात करेंगे तेरहवाँ लेक्चर क्या है और इसमें क्या मुख्य बातें हैं लेकिन इसके पहले मैं बता दूं मेरा संक्षिप्त परिचय क्या है आप मेरे बारे में जानें तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है मैं आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा के थ्रू जुडिशियल ऑफिसर भी था आसाम में कुछ साल के लिए और विगत बारह साल से तेरह साल से मैं अध्ययन अध्यापन का काम कर रहा हूँ तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपसे अब जो विषय है इसका नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि सिविल प्रक्रिया संहिता सी बोलते हैं इसको शॉर्ट नेम इसका सी है मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि ये कानून बेसिकली किस चीज के लिए है है तो कानून इस चीज़ के लिए है कि किसी भी व्यक्ति का सिविल अधिकार अगर कोई प्रभावित करता है तो अपने सिविल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में कैसे जाएगा और न्यायालय से इसके इसको कैसे संरक्षित करवाएगा तो इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान दिए गए हैं प्रक्रियाएं दी गई हैं तो इसी प्रक्रिया की हम लोग बात इसमें करते हैं कि व्यक्ति के सिविल अधिकार के संरक्षण के लिए क्या प्रोसीजर है क्या प्रक्रिया है वो कैसे न्यायालय में जाएगा न्यायालय में क्या कहेगा फिर न्यायालय क्या करेगी और अंत में न्यायालय का डिक्री और ऑर्डर कैसे होगा इसके फेवर में चाहे इसके विरुद्ध अगर झूठ बोल रहा है तो विरुद्ध हो जाएगा सही बोल रहा है सब कुछ स्थापित हो गया साक्षियों और गवाहों के थ्रू तो इसके पक्ष में हो जाएगा तो ये पूरा सिविल प्रक्रिया संगीता है इसमें जो दस बारह लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया और जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया वो दस बारह लेक्चर में किस चीज़ की बात है उसमें फंडामेंटल चीज़ों की बात हम लोगों ने कर लिया है जैसे धारा नौ की बात करें कि सिविल प्रक्रिया संहिता में जो रिस्ड्रिक्शन आप कब इन्वोक करेंगे उसमें आपका मुकदमा सिविल नेचर का होना चाहिए सिविल नेचर के मुकदमे से क्या मतलब है क्या तात्पर्य है यह सीपीसी में बताया गया है हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था फिर हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट हैं सिविल प्रक्रिया संहिता में जैसे रेस सब जुडिसक्शन टेन सेक्शन इलेवन इसको भी हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने यह भी देखा था कोर्ट का निर्णय कोर्ट का आदेश कोर्ट की डिक्री कैसे कब पास होगी हम लोगों ने यह भी देखा था कि वाद के पक्षकार कौन होंगे कौन प्लेंटिव होगा कौन डिफेंडेंट होगा किसको कब जोड़ा जाएगा किसको कब निकाला जाएगा यह भी हम लोगों ने देखा ऐसा नहीं है कोई भी न्यायालय में चला जाएगा हम लोगों ने यह भी देखा कि कुछ समय में कोर्ट एंटरिम आर्डर भी पास कर सकती है कोई जरूर नहीं है कि हर मामले में कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगी बहुत ऐसे मुकदमे हैं जिसमें पहले एंट्रीम आर्डर पास होगा और फिर बाद में फाइनल आर्डर पास होगा ऐसा भी है तो पूरे एंटरिम आर्डर में भी हम लोगों ने कई बातें देखा था जिसमें कमीशन की बात देखा टेम्पर इंजंक्शन की बात देखा हम लोगों ने स्पेशल मुकदमों की भी बात देखा था कि कुछ तो जनरल मुकदमे हैं जिनका साधारण प्रोसीजर है साधारण प्रक्रिया है सिविल सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर लेकिन कुछ स्पेशल सूट्स हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोसीजर हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड और उसके लिए बहुत आर्डर्स हैं और बहुत सेक्शंस हैं और उसको एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा था मेनली हम लोगों ने इंफेसाइज़ किया था सूट बाईर अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट इन देर ऑफिशियल कैपेसिटी तो ये भी हम लोगों ने देखा था अब आज का जो लेक्चर है इसके बारे में आप देखें अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो इसकी टाइटल लिखी हुई है लेक्चर नंबर तेरह पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का प्रभाव आदेश नौ no, ध्यान दीजिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रावधान है सीपीसी के अंदर इसको बोलते हैं अपियरेंस ऑफ पार्टीज ध्यान दीजिए अपियरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपियरेंस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपियरेंस ठीक है ना अपियरेंस ऑफ पार्टीज पॉइंट नंबर वन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपियरेंस पॉइंट नंबर टू और इन दोनों की बातें कहां पे हैं इसमें ठीक है यही ये टॉपिक है हिंदी में जो लिखा हुआ है पक्षकारों की उपस्थिति अपियरेंस ऑफ पार्टीज ये पॉइंट नंबर वन है और अनुपस्थिति का प्रभाव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपियरेंस और ये दोनों सेगमेंट जो है ये सीपीसी के आदेश नौ में लिखा हुआ है तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे कि अपियरेंस ऑफ इसको मैं बताऊं अभी हम रूल्स पे जाएं इसमें बहुत रूल्स हैं और उस लगभग सारे रूल्स की हम लोग चर्चा करेंगे रूल चौदह तक है इसमें और सारे चौदह रूल की हम लोग चर्चा करेंगे रूल एक से लेकर चौदह तक नियम एक से लेकर चौदह तक लेकिन इसमें अभी रूल में जाए इसके पहले मैं आपको बता दूं यह क्या चीज है इसको एक कॉमन भाषा में मैं आपको बताऊं साधारण आदमी की भाषा में बताऊं कानून की भाषा में नहीं पक्षकारों की उपस्थिति इसका क्या मतलब मैं अपने सिविल राइट के लिए मुकदमा करता हूं सिविल कोर्ट में मान लीजिए मेरी पेन है और किसी ने ले लिया तो इसके लिए मैं सिविल कोर्ट में मुकदमा करता हूं और जिसके खिलाफ मुकदमा करता हूं मान लीजिए मैं आशीष जी के खिलाफ मुकदमा करता हूं तो आशीष जी आएंगे अपना बचाव लेकर के इसमें तो मैं भी जाऊंगा और आशीष जी भी आएंगे ये कानून उम्मीद करता है क्योंकि हम दोनों पार्टी हैं इस मुकदमे में हम दोनों पक्षकार हैं तो कानून ये उम्मीद करता है कि हम दोनों कोर्ट में जाएंगे जब जब तारीख पड़ेगी जब 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 साहब बुलाएंगे तो प्लेंटिव भी जाएगा वादी भी जाएगा जिसने सूट फाइल किया है और प्रतिवादी भी जाएगा जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है तो इसको हम बोलते हैं अपियर ऑफ पार्टीज पक्षकारों की उपस्थिति एक बात हो गई दोनों जाएंगे ये तो बड़ा आइडियल सिचुएशन हो गया दोनों बड़े अच्छे लोग हैं और न्यायालय में मुकदमा किसी कारणवश हो गया तो दोनों जाएंगे हर डेट पे जाएंगे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे गवाहों को प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय के निर्देश से अपने आप को बाध्य करेंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसमें चीज़ें अब आप, आपके और हमारे बस में नहीं है कभी मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश या जानबूझ के नहीं गया कभी आशीष जी नहीं जा पाए किसी कारणवश या जानबूझ के नहीं गए ऐसा भी हो सकता है तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपियरेंस अनुपस्थिति का प्रभाव क्या होगा चलो जाएंगे तब तो ठीक है मामले का ट्रायल होगा लास्ट में जजमेंट हो जाएगा चाहे मेरे फेवर में चाहे उनके फेवर में लेकिन मान लीजिए नहीं जाते हैं तब क्या होगा तो इसमें दो बातें हैं जिसने सूट फाइल किया उसको प्लेटिव बोलते हैं प्लेटिव नहीं जाता है तब क्या होगा दूसरा है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ उसको डिफेंडेंट बोल रहे हैं बोलते हैं अगर डिफेंडेंट नहीं गया प्रतिवादी नहीं गया तब क्या होगा और जब दोनों नहीं गए तब क्या होगा तो तीन सिचुएशन है इसमें प्लेटिव फेल टू अपीयर डिफेंडेंट फेल टू अपियर एंड बोथ पार्टी फेल टू अपियर तो इन तीनों के अलग अलग परिणाम है ध्यान दीजिए इसको अलग अलग रूल के माध्यम से हम लोग देखेंगे लेकिन यहां पे मैं आपको कॉमन भाषा में बता दूं वेन प्लेटिव फेल्स टू अपियर वादी ने सूट फाइल किया और वादी न्यायालय में जाने से अनुपस्थित हो जाता है नहीं जा पाता है जानबूझ बूझ करके नहीं जाता है या अनजाने से नहीं जाता है तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा आप अनजाने से नहीं आए आपके पास सफिशियंट कारण था इसलिए नहीं आए आप बीमार पड़ गए इसलिए नहीं आए कोर्ट को तो पता नहीं चलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं लेकिन बार बार डेट पड़ती है आप नहीं जाते हैं तो कोर्ट क्या करेगी तो जो प्लेंटी भी नहीं जाएगा एक एक उर्दू में एक लाइन है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त मुद्दई का मतलब प्लेंटी तो प्लेंटी इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू बट विटनेस इज वेरी इंटरेस्टेड जो गवाह है वो बड़ा इंटरेस्टेड है तो गवाह के इंटरेस्टेड होने से काम नहीं चलेगा वादी के इंटरेस्टेड होने से काम चलेगा जिसने सूट फाइल किया पहले तो उसी को जाना पड़ेगा अब मान लीजिए प्लेंटी फेल टू अपियर नहीं जाता है वो तो बात खारिज हो जाएगा आप साधारण भाषा में सुने होंगे मुकदमा खारिज कर देगी कोर्ट भाई जो इंटरेस्टेड है जिसका राइट right प्रभावित हुआ वही नहीं जा रहा है न्यायालय में तो उसके बाद वो खारिज कर दो ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक अप द स्टेप एंड दैट इज वाईट इज लेबल टू बी डिसमिस्ड तो डिसमिसल हो जाएगा तो जो वादी नहीं जाता है तो मुकदमा खारिज हो जाता है ये पहला कॉन्सिक्वेंस है दूसरा जब प्रतिवादी नहीं जाता है मैं तो जाता हूं बार बार आशीष जी नहीं जाते हैं कोर्ट में तो मैं पक्षकार हूं पूरा मुकदमा हमारे पक्ष में डिसाइड हो जाएगा इसको बोलते हैं एक्स पार्टी डिक्री तो हमारे फेवर में एक तरफा निर्णय हो जाएगा क्योंकि आशीष जी नहीं जाते हैं मैं ही केवल जाता हूं जब मैं जाता हूं तो हमारे फेवर में एक तरफा निर्णय हो जाएगा तो इसको बोलते हैं एक्स पार्टी एड तो जब डिफेंडेंट फेल टू अपियर देन एक्स पार्टी एडर और जब दोनों फेल टू अपियर मैं भी नहीं जाता हूं वो भी नहीं जाते हैं मुकदमा दाखिल करने के बाद तो क्या होगा फिर वाद खारिज हो जाएगा क्योंकि प्लेंटिव के खिलाफ मामला जाएगा प्लेंटिव ने सूट फाइल किया है ना उसका राइट प्रभावित हुआ है ना तो कानून किससे ज्यादा उम्मीद करता है प्लेंटिप से ज्यादा उम्मीद करता है आप एग्रीड पार्टी हो तो आप न, आओ न्यायालय में आप नहीं जा रहे हो डिफेंडेंट भी नहीं आ रहा है लेकिन मुकदमा आपके खिलाफ निस्तारित किया जाएगा क्योंकि आप इंटरेस्टेड पार्टी हो तो ये तीन परिणाम है जब ये नहीं जाएंगे वो नहीं जाएंगे और जब दोनों नहीं जाएंगे ठीक है ना और जब दोनों जाएंगे तो क्या होगा डेट डेट पे हियरिंग होगी और लास्ट में डिस्पोजल हो जाएगा तो ये पूरा जो ऑर्डर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल एक से लेकर रूल चौदह तक इसमें यही बात है पार्टी अपियर करेंगे पॉइंट नंबर वन और पार्टी नहीं अपियर करेंगे पॉइंट नंबर टू पार्टी अपियर करेंगे मुकदमा निस्तारित हो जाएगा पार्टी नहीं अपियर करेंगे तो तीन सिचुएशन है कब वादी नहीं अपियर करेगा कब प्रतिवादी नहीं अपियर करेगा कब दोनों नहीं अपियर करेंगे और अकॉर्डिंगली सबके परिणाम अलग अलग होंगे तो ये इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया अब अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और एक एक करके इसका डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा अगली स्लाइड पे आप नजर डालें देखें सामान्य नियम यह आर्डर वन का जनरल रूल है आर्डर नाइन का जनरल रूल है आर्डर नाइन रूल वन रूल वन इसमें आर्डर नाइन का रूल वन सामान्य बात करता है जनरली ध्यान दीजिए तो रूल वन में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है क्या अपियरेंस ऑफ पार्टीज जो अभी मैंने आपको बताया तो जो पहला वाला पॉइंट है ना अपियरेंस ऑफ पार्टीज उसी की बात करता है रूल नंबर वन अपियरेंस ऑफ पार्टीज और क्या रूल वन बोल रहा है दोनों पार्टी हर तारीख पे न्यायालय में उपस्थित होंगे ये लिखा हुआ ये सामान्य बात है बिना किसी लाग लपेट के कानून ये बोल रहा है कि भाई आपने मुकदमा दाखिल किया है आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं आपका राइट प्रभावित हुआ है और वह बंदा जिसके खिलाफ आपने दाखिल किया है वो भी बड़ा अच्छा आदमी है लेकिन उसके खिलाफ आपने मुकदमा दाखिल किया है तो वो भी न्यायालय में आएगा जब उसको बुलाया जाएगा और आपने सूट फाइल किया है तो आप भी आएंगे दोनों लोगों की बातों को न्यायालय सुनेगी सुन करके अभिवादकों की विरचना करेगी और विवादकों पर सुनवाई करेगी और लास्ट में डिक्री या जजमेंट कर देगी चाहे मेरे पक्ष में चाहे आपके पक्ष में तो रूल एकदम एक सिंपल बात करता है बोथ पार्टी मस्ट अपियर एंड शुड अपियर वेन सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग तो जब मुकदमा हियरिंग के लिए फिक्स किया गया है सुनवाई के लिए फिक्स किया गया है हर सुनवाई के डेट पे दोनों पक्षकारों से कानून उम्मीद करता है आप न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय को असिस्ट करेंगे और अपने राइट को डिस्पोज आप करवाएंगे और डिसाइड करवाएंगे तो ये सामान्य नियम है रूल एक में यही बात लिखा हुआ है इसमें कुछ ऐसी बात नहीं बहुत सिंपल आगे बढ़िए थोड़ा सा आगे बढ़िए अब अब ध्यान दीजिए ये है वाद का खारिज किया जाना अब मैंने आपको बताया कि दो सिचुएशन है पूरे आर्डर में में कॉन्सिक्वेंसेस नॉन मैं शुरू में ही बताया था अगर पार्टी नहीं जाती है प्लेटिव नहीं जाता है या दोनों पार्टी नहीं जाते हैं तो क्या होगा डिसमिसल लेकिन अगर डिफेंडेंट नहीं जाता है तो क्या होगा एक्स पार्टी तो पहले हम लोग डिसमिसल की बात करते हैं ये डिसल की बात है वाद का खारिज कर दिया जाना कौन कौन ऐसी स्थिति है जिसमें वाद खारिज कर दिया जाएगा उसके लिए हमारे पास ये सारे नियम है जो यहां पे लिखे हुए हैं अगर आप ध्यान दें नियम दो नियम तीन नियम चार नियम पांच नियम आठ और नियम बार इतने ऐसे नियम है आउट ऑफ फोर्टीन रूल्स हमारे पास एक से चौदह तक इतने रूल्स हैं आर्डर नौ में आर्डर नौ में इतने रूल्स हैं हमारे पास और इतने रूल्स में से ये जो इतने रूल्स हैं कौन कौन बच गए दो तीन चार पांच आठ और बारह ये इतने रूल केवल डिसमिसल की बात करते हैं ध्यान दीजिए डिसमिसल की बात करते हैं और जो कुछ है वो एक्स पार्टी की बात करते हैं उसको भी अभी हम आएंगे और जो बच गए वो सामान्य है तो ये तीन तरीके का पूरा सेगमेंट है बारह चौदह रूल को आप तीन भाग में बांट सकते हैं कुछ सामान्य भाषा है सामान्य स्थितियों की बात करता है कुछ डिसमिसल की बात करता है कब सूट खारिज कर दिया जाएगा और कुछ एक्स पार्टी की बात करता है तो एक्स पार्टी को बाद में देखेंगे पहले डिसमिसल में देखिए डिसमिसल में क्या है बाद का खारिज कर दिया जाना वाद खारिज हो जाएगा मुकदमा खारिज कर देगी कोर्ट सेट मींस मींस डिसमिस कर देगी कब पहला सिचुएशन है नियम दो ध्यान दीजिए नियम दो नियम दो में क्या बताया गया है नियम दो कहता है कि जब वादी ने समन का खर्चा न्यायालय में नहीं जमा किया है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा थोड़ा हम आदेश पांच पे जाएंगे क्योंकि आदेश पांच में समन की बात है इसको हालांकि एक लेक्चर में हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कस किया है केवल समन के बारे में लेकिन उसमें मैं फिर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा क्योंकि नियम दो उधर की ही बात करता है तो नियम दो क्या बोल रहा है अब नियम दो बताने के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आऊं जैसे मान लीजिए स्पेन के लिए मैं आशीष जी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करता हूं तो मैं पहले प्लैंट लेकर के जाऊंगा कोर्ट में सबमिट कर दूंगा मैंने कोर्ट में प्लेट सबमिट कर दिया आशीष जी के खिलाफ तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट आशीष जी को समन भेजेगी और समन का प्रोसीजर आदेश पांच में लिखा हुआ है अब जब आशीष जी को यह समन जाएगा तो समन कैसे जाएगा हमने उस दिन बताया था यह समन पोस्टल एजेंसी से चला जा सकता है स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री से जा सकता है इसको प्रोसेस सर्वर से भी भिजवाया जा सकता है जो कोर्ट में बैठा हुआ उसका कर्मचारी है वो भी लेके जा सकता है इसको दस्ती समन प्लेन्टिव से भी भिजवाया जा सकता है और तमाम तरीके हैं हम लोगों ने देखा था रूल नाइन रूल नाइन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा अब मान लीजिए इसको पोस्टल एजेंसी से भेजना है फर्ज करिए पहला सिचुएशन से भेजना है तो रजिस्ट्री में सौ दो सौ रुपया खर्च होगा ये सौ दो सौ रुपया कौन देगा तो ये मुझे देना है क्योंकि मैंने सूट फाइल किया था तो ये सौ दो सौ रुपया जो भी इसका खर्च है पॉसिबल एक्सपेंडिचर है जो कोर्ट हमको बताएगी ये अमाउंट हमको कोर्ट में पहले जमा करना पड़ेगा और तभी समन आशीष जी को जाएगा अब मान लीजिए मैं पैसा कोर्ट में जमा ही नहीं करता हूं तो समन नहीं जाएगा तो रूल दो यही बात करता है कि जब प्लेंटिव सूट फाइल करेगा उसी समय प्लेंटिव क्या करेगा समन का खर्चा भी जमा करेगा न्यायालय में क्योंकि समन का खर्चा जब आप जमा करेंगे तभी समन अपोजिट पार्टी को जाएगा अब मान लीजिए आई फेल टू सबमिट एक्सपेंडिचर ऑफ समन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जमा कर पाता हूं प्लेंटिव में मुकदमा तो दाखिल कर दिया समन का खर्चा नहीं जमा किया तो क्या होगा कुछ दिन तक तो कोर्ट वेट करेगी एक तारीख पड़ेगी दूसरी तारीख पड़ेगी हमारे वकील साहब के माध्यम से हमको खबर भी भिजवाई जाएगी आर्डर आर्डरशीट में भी लिखा जाएगा कि प्लेंटिव ने अभी खर्चा नहीं जमा किया इसलिए समन नहीं जा रहा है उपस्थित हों और समन का खर्चा जमा करें लेकिन एक दो तारीख पड़ी अगर आप नई स्टेप ले रहे हैं तो कोर्ट क्या करेगी को खारिज कर देगी इसको बोलते हैं तो रूल टू ऐसा सिचुएशन है नियम दो ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्लेंटिव का वाद खारिज हो जाएगा और कारण क्या था क्योंकि उसने समन का खर्चा कोर्ट में नहीं जमा किया था तो ये रोल दो है अब रूल तीन पे आइए रूल तीन क्या बात करता है रूल तीन रूल किस चीज की बात करता है रूल तीन ये बोल रहा है एक और सिचुएशन है जिसमें बात खारिज हो जाएगा एक और सिचुएशन है वो क्या सिचुएशन है व्हेन व्हेन बोथ बोथ पार्टी पार्टी टू टू अपीयर अपीयर बिफोर बिफोर द द कोर्ट कोर्ट ऑफ ऑफ लॉ लॉ जब दोनों पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होने से फेल कर जाते हैं तब भी मुकदमा खारिज हो जाएगा नीदर प्लेटिव अपीयर्स नॉट डिफेंडेंट अपीयर्स दोनों में से कोई नहीं जाते हैं अब ध्यान दीजिए आप कहेंगे कि भाई इसमें तो गलती दोनों की है ना तो खारिज किया जाना किसके अगेंस्ट है केवल प्लेंटिव के अगेंस्ट है तो केवल एक ही के खिलाफ क्यों निर्णय हुआ जबकि गलती दोनों की है तो देखिए इसमें गलती हालांकि दोनों की है लेकिन प्लेंटिव ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि प्लेंटिव को अपने राइट को डिसाइड करवाना है प्लेंटिव इंटरेस्टेड पार्टी है द सूट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ तो ज्यादा से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी प्लेंटिव की है कोर्ट में जाने की डिफेंडेंट जब प्लेंटिव नहीं जा रहा है तो डिफेंडेंट जाके क्या करेगा उसको तो जवाब देना है इसीलिए रूल तीन कहता है कि जब बोथ पार्टी फेल टू अपीयर जब दोनों में से कोई नहीं जाते हैं Then again, is to be तो फिर मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा तो ये दूसरा सिचुएशन है रूल में। हम लोगों ने देखा कब बात खारिज होगा करने से फेल कर जाता है दोनों में से कोई नहीं जाते हैं तो इन दोनों दशा में बात खारिज हो जाएगा अब मान लीजिए हो गया वाद खारिज हो गया तो क्या होगा इसका परिणाम क्या होगा यह रूल चार में लिखा हुआ है ध्यान दीजिए रूल चार में लिखा हुआ है रूल चार क्या बोलता है कि अगर या तो रूल दो में वाद खारिज हो गया या रूल तीन में वाद खारिज हो गया तो इन दोनों में खारिज होने में अग्रीब पार्टी को दो ऑप्शन है ध्यान दीजिए अग्रीव पार्टी कौन है जब वाद खारिज होगा प्लेंटिव अग्रीव होगा जिसने सूट फाइल किया वो एग्रीव होगा क्योंकि उसने बेचारे ने सूट फाइल किया था अपने राइट को डिसाइड करवाने के लिए लेकिन उसका वाद खारिज हो गया उसका सूट डिसमिस हो गया तो ये अग्रीव्ड बंदा है उसके पास दो ऑप्शन है कौन कौन दो ऑप्शन है उसके पास पहला ऑप्शन है कि वो क्या करे वो फ्रेश सूट ले आए ध्यान दीजिए फ्रेश सूट ले आए या दूसरा वो सेटिंग असाइड डिसमिसल ऑर्डर पे जाए सेटिंग असाइड सेटिंग असाइड ऑर्डर सेटिंग असाइड डिस्मिसल ये दो ऑप्शन है उसके पास या तो फ्रेश सूट ले आएगा तो या तो डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कराएगा तो रूल चार में एग्रीव्ड पार्टी जो वादी है उसके पास दो ऑप्शन है या तो वह फ्रेश सूट फाइल करें इस मुकदमे को भूल जाए खारिज हो गया इसको डाल दो ठंडे बस्ते में पानी में डाल दो इसको फिर से नया सूट ड्राफ्ट करेगा और फिर से उसी मामले में मामले को स्टार्ट कर देगा क्योंकि डिस्मिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट डिक्री हम लोगों ने देखा था अगर सेक्शन टू सब सेक्शन टू पे आप ध्यान देंगे जब डिक्री की परिभाषा हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि डिस्मिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट डिक्री तो चूंकि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिक्री नहीं है इसलिए खारिज होने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेस जो नहीं लगेगा उसी कोर्ट में फिर से वो मामले को संस्थित कर सकता है उसी पक्षकार के खिलाफ उसी मामले के लिए तो सूट 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 उसका डिसमिस हो गया वो वो फ्रेश फ्रेश ले ले आ सकता है अगर वो फ्रेश सूट नहीं ले आना चाह रहा है कोई बात नहीं है उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है वो उसी कोर्ट में जाए एक अप्लीकेशन लिखे और उस एप्लीकेशन में बताए कि जज साहब हमारे न आने का क्या कारण था चाहे रूल दो की सिचुएशन है चाहे रूल तीन की सिचुएशन है वो बताए जज साहब हमारे न आने का क्या कारण था अगर जैसे आप उसके कारण से सेटिसफाई हो जाते हैं तो जो ये डिसमिसल ऑर्डर था जो वाद खारिज किया गया था इसको कोर्ट कर देगी अपने को अपास्त अपास्त कर देगी और अपास्त करके सेट करके मुकदमे को रेगुलर सुनवाई पे फिर से चढ़ा देगी और मामला बढ़ चलेगा यहां से तो ये रूल चार है तो रूल दो और तीन में अगर डिस्मिसल हो गया तो रूल चार में प्लेंटिव के पास दो रेमेडी है ही मे ब्रिंग द फ्रेश सूट और ही मे अप्लाई फॉर सेटिंग अ साइड अस्मिसल ऑर्डर तो ये था रूल चार अब आ जाइए रूल पांच रूल में भी डिसमिसल है ध्यान दीजिए रूल पांच में भी डिसमिसल है रूल पांच में डिसमिसल का है कि एक सिचुएशन समन में हम लोगों ने देखा था आर्डर पांच में एक सिचुएशन हम लोगों ने देखा था क्या सिचुएशन थी हो? वो वो सचुएशन ये थी कि जैसे मान लीजिए वादी ने सूट फाइल किया और प्रतिवादी को समन चला गया वादी ने खर्चा जमा कर दिया है प्रतिवादी को समन चला गया जब प्रतिवादी को समन जाता है अगर सर्व हो जाता है समन तब तो ठीक है अगर मान लीजिए उसको समन रिटर्न हो जाता है अनसर्व मैंने उसके घर डाकिया गया लेकिन तालाबंद था नहीं पाया और वो ले आकर के कोर्ट में कहता है जज साहब मैं गया लेकिन नहीं पाया तो समन रिटर्न हो गया और अनसर्व्ड रिटर्न हो गया सर्व नहीं हो पाया तो इसमें प्लेंटिव के पास एक जिम्मेदारी है ये आर्डर पांच में लिखा हुआ है और हम लोगों ने इसको देखा भी था प्लेंटिव की क्या जिम्मेदारी है जैसे ही समन अनसर्व्ड रिटर्न हो जाएगा प्लेंटिव सात दिन के अंदर जिस दिन रिटर्न हुआ है उस दिन से सात दिन के अंदर कोर्ट में फिर से फ्रेश समन के लिए अप्लाई करेगा कहेगा कुछ जज साहब पहला वाला समन अनसर्व लौट गया है फिर से नया समन उसको भेजिए तो अप्लाई करेगा कोर्ट में और जब अप्लाई करेगा तो फ्रेश समन का भी खर्चा जमा करेगा जितनी बार समन जाएगा उसका खर्चा वादी जमा करेगा और वो सात दिन के अंदर बार बार अप्लाई करेगा जब जब अनसॉल्व रिटर्न हो जाएगा इसीलिए आदेश पांच में रूल बीस हम लोगों ने देखा था ऑफ सर्विस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा तो दूसरी बात है मान लीजिए इसको सात दिन के अंदर अप्लाई करना है कि भाई समन तो अनसॉल्व हो गया अब आप फिर से सर्विस में ले जाइए इसको मान लीजिए वादी इसमें फेल कर जाता है ये सात दिन के अंदर कोर्ट में अप्लाई नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश तो फिर वाद खारिज हो जाएगा ये है नियम पांच क्योंकि सात दिन के अंदर आपको कोर्ट में अप्लाई करना था लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाए और इसलिए नियम पांच में आपका वाद फिर खारिज हो जाएगा और नियम पांच में अगर आपका वाद खारिज हो गया तो यहां पे प्लेंटिव को केवल एक रेमेडी है ध्यान दीजिए नियम पांच के ही सब रूल टू में लिखा हुआ है प्लेंटिव के पास केवल एक रेमेडी है क्या ही मे ब्रिंग अ फ्रेश सूट वो केवल और केवल फ्रेश मुकदमा ले आएगा अभी रूल चार में हम लोगों ने देखा था कि रूल दो और तीन का डिसमिसल हुआ था तो रूल चार में प्लेंटिव के पास दो ऑप्शन था या तो फ्रेश सूट ले आए वह सेटिंग साइड कर दे ऑर्डर को लेकिन रूल पांच का अगर डिसमिसल है उस दशा में उस कंडीशन पे डिसमिसल है रूल पांच के कंडीशन पे तो प्लेंटिव के पास केवल एक सा, एक ऑप्शन है वो केवल फ्रेश सूट ले आएगा वह नहीं करेगा सेटिंग असाइड डिसमिसल ऑर्डर का उसका चांस खत्म उसमें नहीं जाएगा ठीक है ये रूल पांच अब अगला रूल है रूल आठ जिसमें मुकदमा फिर खारिज हो जाता है तो हम लोगों ने क्या देखा रूल दो में मुकदमा खारिज हुआ रूल तीन में मुकदमा खारिज हुआ उसका परिणाम हम लोगों ने रूल चार में देखा कि, कि प्लेंटिव के पास दो ऑप्शन था वो फ्रेश सूट ले आए चाहे डिस्मिसल करा दे सेटिंग असाइड करा दे डिस्मिसल ऑर्डर को रूल पांच में हम लोगों ने देखा वाद फिर खारिज हो गया था और इस दशा में अगर खारिज हुआ था तो वादी के पास केवल एक चांस है वो फ्रेश सूट ले आएगा सेटिंग असाइड डिस्मिसल में नहीं जाएगा ठीक है अब रूल आठ में आइए नियम आठ क्या बोल रहा है नियम आठ बोल रहा है कि जब डिफेंडेंट अपियर्स एंड प्लेटिव फेल टू अपियर ध्यान दीजिए डिफेंडेंट अपियर्स एंड प्लेटिव फेल टू अपियर मैं सूट फाइल करता हूं आशीष जी के खिलाफ और आशीष जी को नोटिस हो जाती है आशीष जी हर तारीख पे न्यायालय में उपस्थित होते हैं लेकिन मैं नहीं जाता हूं तो एक बार कोर्ट ने वेट किया दूसरी तारीख पे कोर्ट ने वेट किया तीसरी तारीख पे वेट किया तारीख पे तारीख तक वेट किया कितनी तारीख तक हमारा वेट किया जाएगा तो न्यायालय कहती है कि भाई अब यह तो आने वाला प्लेंटिव नहीं है वादी आने वाला नहीं है जबकि प्रतिवादी बेचारा रोजा के न्यायालय में हर डेट पर बैठ जाता है तो यहां पे कोर्ट फिर हमारे मुकदमे को खारिज कर देगी क्यों क्योंकि प्लान्ट फेल टू अपी है जब आप आते ही नहीं हो तो आपका सूट इज शॉर्टेज टू बी डिसमिस्ड जबकि डिफेंडेंट बड़ा ईमानदार आदमी है वो बार बार आते हैं तो आशीष जी बार बार आते हैं मैं नहीं जाता हूं और हमारा सूट डिसमिस कर दिया जाएगा यह नियम आठ है अब नियम आठ में अगर, अगर हमारा सूट डिसमिस हो गया तो नियम नौ में केवल एक रेमेडी हमको अवेलेबल है ध्यान सेट बस सेटिंग असाइड डिसमिसल ऑर्डर यह रूल नौ में लिखा हुआ है सेटिंग असाइड डिसमिसल ऑर्डर ध्यान दीजिए सेटिंग असाइड डिसमिसल ऑर्डर इस को करा दिया जाएगा। तो मेरे पास केवल एक ऑप्शन है इसमें मैं फ्रेश नहीं ले आ सकता। इसमें मैं देखा मैं जल्दी से आपको बताऊं नियम दो में हम लोगों ने देखा कि जब समन का खर्चा जमा करने में प्लेंटी फेल कर जाता है तो उसका सूट डिसमिस हो जाएगा नियम तीन में हम लोगों ने देखा कि वो प्लेंटी का सूट फिर डिसमिस हो जाएगा नियम तीन में नियम तीन का जो सिचुएशन था हाँ तो अब आप देखें हम लोगों ने क्या क्या देखा खारिज होने की कई दशाओं को देखा खारिज होने की कौन कौन दशा थी रूल दो में जब वादी ने समन का खर्चा जमा करने से फेल कर गया तो उसका सूट क्या हो गया डिसमिस हो गया रूल तीन में हम लोगों ने देखा जब दोनों पार्टी अपीयर नहीं होते हैं न्यायालय में तो फिर उसका सूट खारिज हो गया तो रूल दो और तीन का जो खारिज किया जाना है इसमें वादी के पास दो रेमेडी है क्या वो या तो फ्रेश सूट ले आए या डिसमिसल ऑर्डर को सेटिसाइड कराए ये रूल चार में उसको दो रेमेडी है अब रूल पांच है जिसमें फिर उसका वाद डिसमिस हो जाएगा फिर उसका वाद खारिज हो जाएगा रूल पांच में किस आधार पे होगा क्योंकि जिस दिन समन ऑन हुआ उसके सात दिन के अंदर उसको कोर्ट में अप्लाई करना था फ्रेश समन के लिए लेकिन सात दिन के अंदर वो फेल कर गया अप्लाई करने से तो फिर उसका वाद खारिज हो जाएगा जब नियम आठ में खारिज हुआ तो नियम आठ में उसको रेमेडी है केवल एक वह केवल फ्रेश रूट ले आएगा इसके बाद हमारे पास है नियम आठ नियम आठ में जब उसका बाद खारिज हो जाएगा और नियम आठ में बाद खारिज होने का क्या तरीका है कि वो डिफेंडेंट तो अपियर होता है लेकिन प्लेंटिव अपियर नहीं होता है तो प्लेंटिव आता ही है नहीं डिफेंडेंट बार बार आता है तो फिर उसका सूट खारिज हो जाएगा जब यहां पे खारिज हो जाएगा तो उसके पास केवल एक रेमेडी है ही में अप्लाई फॉर सेटिंग अ साइड डिसमिसल ऑर्डर ही कैन नॉट द फ्रेश सूट तो इसमें फ्रेश सूट नहीं ले आएगा यह अपने वाद के खारिज किए जाने को सेट असाइड करवा सकता है तो ये पूरे डिसमिसल थे हमारे पास रूल दो में डिसमिसल है रूल तीन में डिसमिसल है रूल चार में इसका परिणाम है रूल पांच में डिसमिसल है रूल पांच में इसका परिणाम है रूल आठ में डिसमिसल है रूल नौ में इसका परिणाम है और एक है रूल बारह लास्ट रूल अगर आप देखेंगे इस स्लाइड में हम लोगों ने जो लिखा है रूल बारह रूल ट्वेल्व तो रूल ट्वेल्व में भी एक सिचुएशन है जहां पर सूट डिसमिस हो जाता है ये छोटी सी बात है इसमें बोला गया है कि किसी भी मामले में जब प्लेंटिव को बुलाने को कोर्ट बुलाती है और नहीं आता है या डिफेंडेंट को बुलाती है नहीं आता है तो वही परिणाम होंगे जो परिणाम प्रिसीडिंग रूल्स में लिखे हुए हैं तो निश्चित रूप से जब वादी को बुलाती है और वादी नहीं आता है तो प्रोसीडिंग रूल में क्या है जब वादी नहीं आएगा रूल में क्या देखा हम लोगों ने वादी नहीं आएगा तो उसका सूट खारिज हो जाएगा तो रूल बारह भी वही बात करता है इसका सूट खारिज हो जाएगा तो ये इतने नियम है जो सूट के खारिज होने की बात करते हैं वाद के खारिज होने की बात करते हैं डिसमिसल आप सूट की बात करते हैं और इनके परिणामों की बात करते हैं तो कभी कभी डिसमिसल में अग्रीव पार्टी प्लेंटिव को दो रेमेडी है फ्रेश सूट और सेटिंग कभी कभी में प्लेंटिव को केवल एक ऑप्शन है वो केवल फ्रेश सूट ले आएगा और कभी कभी प्लेंटिव को फिर एक ऑप्शन है वो केवल सेटिंग असाइड कराएगा फ्रेश सूट नहीं ले आएगा तो ये सारा रूल्स का कलेक्शन हम लोगों ने देखा एक ऑस्पेक्ट के लिए सेटिंग असाइड डिसमिसल ऑर्डर एंड डिसमिसल ऑर्डर डिसमिसल ऑर्डर एंड सेटिंग असाइड एंड फ्रेश सूट तो ये सारी चीज हम लोगों ने देखा रूल दो तीन चार पांच आठ नौ बारह इतने रूल को हम लोगों ने देखा अब अगली स्लाइड में हम दूसरे सिचुएशन की बात करेंगे थोड़ा अगली स्लाइड में हम चलते हैं देखिए क्या है इसमें नेक्स्ट स्लाइड है एक पक्षीय डिग्री और सेटिंग असाइट एक सौ पच्चीस डिग्री इसमें हमारे पास नियम छ है नियम बारह है नियम तेरह है तीन नियम है ध्यान दीजिए तो मैंने आपको शुरू में बताया था मैं रिफ्रेश करूं थोड़ा सा आप लोगों को शुरू में मैंने क्या बताया था दोनों पार्टी उपस्थित होंगे नियम एक में तो दोनों पार्टी उपस्थित होंगे तो अच्छी बात है मुकदमा का सुनवाई हो जाएगा अगर दोनों पार्टी नहीं उपस्थित होते हैं तब क्या होगा डिसमिस हो जाएगा अगर केवल एक पार्टी नहीं उपस्थित होता है जैसे वादी तो फिर डिसमिस हो जाएगा और अगर केवल प्रतिवादी नहीं उपस्थित होता है डिफेंडेंट तब क्या होगा एक्स पार्टी हो जाएगा तो डिसमिसल की सारी बातें हम लोगों ने पीछे देख लिया अब हम लोगों को तीसरे सिचुएशन पे चलना है कि एक पार्टी फिर नहीं आती है वो कौन पार्टी है वो है डिफेंडेंट अपोजिट पार्टी है अपोजिट पार्टी नहीं आती है तो क्या हो जाएगा एक्स पार्टी तो एक्स पार्टी के लिए यह है इसको बोलते हैं एक्स पार्टी एक्स पार्टी डिक्री ठीक है ना तो एक्स पार्टी डिक्री के लिए हमारे पास रूल छ है रूल सात है और रूल बारह और तेरह है ये यहां पे है ये दोनों यहां पे है ध्यान दीजिए एक्स पार्टी डिक्री अब एक्स पार्टी डिक्री क्या है ध्यान दीजिए वादी बार बार आता है और प्रतिवादी नहीं आता है मैंने मुकदमा दाखिल किया इस पेन के लिए मैं बार बार न्यायालय में आता हूं हर तारीख पे आता हूं और आशीष जी के खिलाफ हमने दाखिल किया आशीष जी किसी भी तारीख पे नहीं आते हैं एक आध तारीख आने के बाद आना बंद कर देते हैं और उनको बार बार बुलाया जाता है लेकिन ये नहीं आते तो कोर्ट इंतजार करते करते पूरा मामला एक तरफा हमारे फेवर में डिसाइड कर देगी इसको बोलते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर अब एक्स पार्टी ऑर्डर के रूल्स को देखिए कानूनी भाषा में इसको कैसे पढ़ेंगे नियम छ रूल सिक्स रूल सिक्स रूल सिक्स पे आइए रूल सिक्स क्या बोल रहा है रूल सिक्स बोल रहा है कि व्हेन प्लेंटिव अपीयर्स एंड डिफेंडेंट फेल टू अपीयर ध्यान दीजिए वादी आता है बार बार और प्रतिवादी आने से फेल कर जाता है तो तीन सिचुएशन संभव है तीन स्थितियां संभव है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री तीन सिचुएशन संभव है पॉइंट नंबर वन व्हेन समन हैज बीन ड्यूली सर्व टू हिम ध्यान दीजिए वादी आता है प्रतिवादी नहीं आता है जबकि प्रतिवादी को समन सॉफ्ट हो गया है ध्यान दीजिए प्रतिवादी को पता है कि उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ है प्रतिवादी को पता है उसके खिलाफ मुकदमा किसने दाखिल किया है और प्रतिवादी को यह भी पता है उसके खिलाफ मुकदमा किस कारण से का, दाखिल हुआ है।, ये सब उसको पता है तो जब उसको पता है और फिर भी वो नहीं आता है तो यह नियम छ बताता है पहला सिचुएशन वेन प्लेटिव अपियर एंड डिफेंडेंट एंड फेल टू अपियर वेयर एज समन हैज बीन सॉ टू हिम तब क्या होगा पहला सिचुएशन बताता है न्यायालय जो है कोर्ट जो है ये क्या करेगी ये डेट फिक्स करेगी ध्यान दीजिए डेट फिक्स करेगी किस चीज के लिए हियरिंग के लिए हियरिंग के लिए कैसी हियरिंग एक्स पार्टी हियरिंग ये ध्यान दीजिए ये बात है कोर्ट डेट फिक्स करेगी एक्स पार्टी हियरिंग के लिए ये बात है तो समन अगर ड्यूली उसको सर्व भी हो गया है तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी कारण की समन उसको डिवली सर्व हो गया है और फिर यह न्यायालय तो का एक्शन है, है, है और जज साहब का एक्शन बड़ी गंभीरता से सिचुएशन को भापते हुए तब आगे बढ़ेगा क्योंकि आपके निर्णय का बहुत गंभीर परिणाम हो जाएगा अपोजिट पक्षकार पर तो इसलिए बहुत हरी अप नहीं करना है हरी अप नहीं करना है बड़े पेशेंटली आपके अपने दिमाग को लगाते हुए और सिचुएशन को समझते हुए तब आदेश करना है इसीलिए लिखा हुआ है कि हालांकि प्लेटिव बार बार उपस्थित होता है और प्रतिवादी डिफेंडेंट नहीं उपस्थित हो पाता है और यह भी साबित हो जाता है कि समन उसको सर्व हो गया है ड्यूली सर्व हो गया है ड्यूली का मतलब विधिक रूप से उसको सर्व हो गया है फिर भी आपको तुरंत एक्स पार्टी आर्डर नहीं करना है रादर जज साहब को क्या करना है जज साहब को अगली डेट फिक्स करनी है आज नहीं आया आज 12 मार्च है जज साहब 20 मार्च की डेट फिक्स कर देंगे और कहेंगे 20 मार्च को दोपहर तक अगर वादी नहीं आता है 20 मार्च को मैं दोपहर तक वेट करूंगा अगर नहीं आता है तो फिर हम एक्स पार्टी पे हियरिंग करेंगे ध्यान दीजिए एक्स पार्टी पे हियरिंग करेंगे हियरिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है नेचुरल जस्टिस का प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है वो नहीं आया ना तो उसको वो तो आपके सामने उपस्थित नहीं है

एक्स पार्टी डिक्री और जो डेट फिक्स करेगी अगली मान लीजिए बीस मार्च मैंने आपको जो में बताया बीस मार्च को उम्मीद करेगी कि वो आएगा और आकर के उचित कारण बताएगा तो बीस मार्च को दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा वो भी आएगा उससे सुना जाएगा भाई आप क्यों नहीं आ पाए वो अपना रीजन बताएगा अगर उसका रीजन सफिसियंट है तो मामला आगे बढ़ जाएगा एक्स पार्टी नहीं होगी अगर उसका रीजन सफिसियंट नहीं है

पॉइंट नंबर है कि समन वाज ड्यूली सॉवेंटिव अपियर डिफेंडेंट नॉट अपियर हालांकि साबित हो गया कि को served, फिर भी करेगी रूल सात में लिखा हुआ है मैं बताऊंगा आपको बाद की बात दूसरा सिचुएशन क्या है ध्यान दीजिए दूसरा सिचुएशन ये है कि व्हेन समन वाज नॉट ड्यूली सॉर्ड टू हिम ध्यान दीजिए व्हेन समन नॉट ड्यूली Sob'd. उसको समन सॉ नहीं हो पाया है उसको समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ है हुआ उसको समन सॉव नहीं हुआ है इसलिए वो नहीं आया है प्लेंटिव तो आया है वादी तो आया है प्रतिवादी नहीं आया है क्यों नहीं आया है उसको समन सर्व भी नहीं हुआ है जब उसको समन ही नहीं सर्व हुआ उसको सूचना ही नहीं मिली कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा दाखिल किया उसको न्यायालय में उपस्थित होना है तो ज्योतिषी तो है नहीं कि वो अपने से आ जाएगा तो पहले तो उसको समन आप सर्व करवाइए तो पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है वादी आता है प्रतिवादी नहीं आता है और यह साबित हो जाता है कि समन उसको सर्व नहीं हुआ है तो जज साहब उसको नया समन भेजेंगे प्लेटिव के खर्चे पे तो फिर से उसको नया समन भेजा जाएगा तो सिचुएशन दो में यह बात है ना सिचुएशन तीन में आई स्लाइड पे आप फिर चलें सिचुएशन तीन क्या बोल रहा है कि समन वाज ड्यूली सर्वड ध्यान दीजिए समन तो उसको सर्व हो गया है सर्व हो गया है बट नॉट Within टाइम ध्यान दीजिए समन उसको सर्व तो हो गया है लेकिन यह समन उसको समय से नहीं सर्व हुआ है समय से नहीं सर्व हुआ है मतलब उसको लिखित कथन देना था दस दिन के अंदर वो समन में डेट लिखी हुई है और समन जब अब उसको मिलता है तो कब मिलता है जब वो दस दिन बीत गया है तब क्योंकि डाक व्यवस्था भी हमारी बड़ी अद्भुत है समय बीतने के बाद चिट्ठी आपके पास आती है किसी की नौकरी का सवाल है ज्वाइनिंग लेटर तब आएगा जब ज्वाइनिंग वाली डेट बीत जाएगी ऐसी कई सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा राखी में राखी तब आएगी जब रक्षाबंधन बीत जाएगा यह भी आप देखेंगे हालांकि अब तो पोस्टल की बात ज्यादा नहीं है लेकिन जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे तो राखियां तब बहन की आती थी हम लोगों के पास जब रक्षाबंधन बीत जाता था तो यह बड़ा ही बड़ा ही अद्भुत हमारी डाक व्यवस्था भी है तो इसलिए इसमें यह लिखा हुआ है कि समन वॉच सॉफ्ट टू हिम बट नॉट विद इन टाइम

तो कोर्ट कहेगी ठीक है मैं तुमको ना तीस दिन का और समय देता हूं जाओ, तीस दिन के अंदर इसको ड्राफ्ट कर लो रिटेन स्टेटमेंट और लेकर के आ जाओ तो तीसरी यह है कि तो तब क्या करेगी? स्टेप पार्टी ठीक है ना तो ये तीन सिचुएशन है रूल छ में कि वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है पहला समन सर्व हो गया था जब समन उसको सर्व हो गया था और फिर भी नहीं आता है तो डेट फिक्स करी जाएगी एक्स पार्टी हियरिंग के लिए मान लीजिए दूसरे उसको समन भी नहीं हुआ था, तो उसको नया समन भेजा जाएगा तीसरी तो तो एक्सटेंड किया जाएगा, और उसको करने का दिया जाएगा तो ये रूल छ है एक्स पार्टी हियरिंग के लिए सुनवाई हो सकती है कब जब उसको समन सर्व हो गया है और फिर भी नहीं आया अब मान लीजिए पहले सिचुएशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि पहला बढ़ेगा अगर ये दोनों सिचुएशन है तब तो, तो फिर से समन चला जाएगा वो तो आगे की प्रक्रिया है अब मान लीजिए उसको समन सर्व हो गया है और फिर भी वो नहीं आया है और न्यायालय ने अगली डेट फिक्स कर दिया किस चीज के लिए एक्सपर्टी हियरिंग के लिए वो है नियम सात का स्टेज नियम सात रूल सात का स्टेज है कि उसको समन सर्व हो गया था और फिर भी नहीं आया तो नियम सात में जो डेट फिक्स करी जाएगी वो नियम सात बताता है कि अगली डेट फिक्स करी जाएगी हियरिंग के लिए और दोनों पक्षकार की वहां पर उपस्थिति आवश्यक समझी जाएगी अब उसमें मान लीजिए वो आ जाता है मान लीजिए फर्ज करिए अगर नहीं आता है तो हो सकता है एक्स पार्टी हो जाए हो सकता है कोर्ट अगली डेट फिक्स कर दे वो तो दूसरी बात है मान लीजिए वो आ जाता है जो अगली डेट फिक्स करी जाती है उसमें प्रतिवादी आ जाता है और आकर के न्यायालय से क्या बताता है आकर के न्यायालय से सफिसियंट कॉज फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपियरेंस ध्यान दीजिए अपने पहले अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण बताता है न्यायालय को क्यों वह पहले नहीं आ पाया इसका पर्याप्त कारण क्या था यह न्यायालय को बता देता है अगर यह पर्याप्त कारण वो बता देता है और न्यायालय इससे सेटिस्फाई हो जाती है तो एक्स पार्टी नहीं होगा तब न्यायालय रेगुलर सुनवाई पे मुकदमे को आगे बढ़ा देगी लेकिन कब ही अपियर्स एंड ही एक्सप्लेन द दफिसियंट कॉज टू द कोर्ट ऑफ लॉ अब क्या सफिसियंट है और क्या सफिसियंट नहीं है इसकी बड़ी बृहद व्याख्या है बाई जुडिशियल डिसीजन इसमें कई न्यायिक निर्णय है जिसमें कोर्ट कहती है इस मामले में यह सफिसियंट है इस मामले में सफिसियंट नहीं है तो ये बड़ा इलास्टिक क्लाज है जिसको कोर्ट समय समय पर फैक्ट और सिचुएशन के आधार पर बताती है क्या सफिसियंट है क्या सफिसियंट नहीं है तो उत्तर में मैं उतना नहीं जा रहा हूं मैं इसको बस आपको रूल बता रहा हूं तो अगर वो सफिसियंट काज बता देता है कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाती है तो मुकदमा आगे बढ़ जाएगा एक्स पार्टी नहीं होगी लेकिन मान लीजिए वो आता तो जरूर है लेकिन कोई पर्याप्त कारण नहीं बता पाता है कि मैं इतने दिन क्यों नहीं आया नहीं बता पाता है जैसे आप पूछते हैं क्यों नहीं आए बता ही नहीं पाता है या कुछ ऐसा चीज बताता है जो एकदम ही बेकार की बातें हैं कहता है मैं मसूरी घूमने चला गया था पिकनिक मनाने अपनी वाइफ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ये बातों बोलता है तो क्या पर्याप्त कारण है उसके नहीं आने का पहले मुकदमे में स्टेप लेंगे पहले मसूरी और देहरादून आप जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए क्वेश्चन यह है कि सफिसियंट कॉज एंड नॉट कॉज तो अगर कोर्ट उसे सेटिस्फाई नहीं है तो एक पक्ष कर देगी एक तरफा आर्डर कर देगी कहेगी जाओ जब तुम पर्याप्त कारण भी नहीं बताए हो न आने का तो तो एक, एक कर देते हैं एक हो जाए। तो ये है रूल छह और सात अब मान लीजिए एक तरफा हो गया निर्णय उसके लिए उसके खिलाफ एक तरफा निर्णय हो गया तो क्या करेगा तो रूल तेरह में उसके लिए रेमेडी बताई गई है रूल थर्टीन देखिए हम लोगों का लिखा हुआ है स्लाइड में रूल तेरह रूल तेरह में उसके पास रेमेडी है उसको उपचार है किसको डिफेंडेंट को क्योंकि एक्स पार्टी किसके खिलाफ हुई है डिफेंडेंट के किसके पक्ष में हुई है प्लेंटिव के पक्ष में तो यहां पर पीड़ित पक्षकार कौन है डिफेंडेंट डिसमिसल कौन पीड़ित पक्षकार था प्लेंटिव तो डिसमिसल में जितने रूल हम लोगों ने देखा रूल दो तीन चार पांच आठ ये सब जितना हम लोगों ने देखा उसमें प्लेंटिव जो है एग्रीव पार्टी था यहां पर रूल छह सात और तेरह में कौन एग्रीव पार्टी है डिफेंडेंट अपोजिट पार्टी क्योंकि एक तरफा निर्णय वादी के फेवर में हो गया है तो डिफेंडेंट पीड़ित है तो यहां डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी है रूल तेरह बताता है रूल तेरह कहता है डिफेंडेंट के पास दो रेमेडी है जो सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है दो रेमेडी है पहली रेमेडी वह सेटिंग असाइट एक्स पार्टी डिक्री के लिए अप्लाई कर सकता है या दूसरा क्या काम कर सकता है इस एक्स पार्टी डिक्री की वो अपील कर सकता है ध्यान दीजिए दो बात

तो उसके पास दोनों ऑप्शन खुला हुआ है मन करे वो उसी कोर्ट में सेटिसाइड कराने आए मन करे ऊपरी अदालत में उसको अपील में लेके जाए उसके पास दोनों ऑप्शन खुला हुआ है अब ध्यान दीजिए मान लीजिए वो उसी कोर्ट में कराने के लिए आता है ये क्या प्रोसीजर है इसको मैं बताता हूं पहले मान लीजिए उसी कोर्ट में आता है और सेटिसाइड कराने आता है तो आकर के उसको दो में से कोई एक बात बताना पड़ेगा क्या दो में से कोई एक बात कहेगा जज साहब ये जो एक्स पार्टी डिक्री आपने हमारे खिलाफ किया हुआ है आपने इसलिए किया है क्योंकि मैं न्यायालय में जब आपने बुलाया था तो मैं नहीं आ पाया था जबकि वादी बार बार आया था और बींग द प्रतिवादी मैं नहीं आ पाया था इसलिए आपने एक तरफा हमारे फेवर में हमारे अगेंस्ट डिसाइड कर दिया था मैं इससे पीड़ित महसूस कर रहा हूं मैं इससे एग्रीव्ड महसूस कर रहा हूं आप क्या करें आप इसको खारिज कर दें कोर्ट कहेगी क्यों खारिज कर दें जब बुलाया गया तो तुम क्यों नहीं आए तो दोनों दो में से कोई एक ग्राउंड बताता है या दोनों भी ग्राउंड बताता है कहता है जस्ट पॉइंट नंबर समन नॉट ड्यूली टू मी ध्यान दीजिए कहता है हमको समन नहीं सर्व हुआ था और चूंकि हमको समन नहीं सर्व हुआ था तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे खिलाफ सूट फाइल हुआ है और जब हमको पता ही नहीं चलेगा हमारे खिलाफ सूट फाइल हुआ है तो मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं कि आपकी न्यायालय में अपने से ही आके उपस्थित हो जाऊंगा तो समन वॉज नॉट ड्यूली सर्व टू मी और अगर यह बात साबित कर देता है कोर्ट में और कोर्ट हो जाती है है कि सही बात है इसको तो सूचना ही नहीं मिली थी कि इसके खिलाफ सूट फाइल हुआ है तो कोर्ट इसके एक्स पार्टी डिक्री को बाय बाई दीव पार्टी दैट इज द कोर्ट ऑफ लॉ कि समन वाज नॉट ड्यूली सॉव टू हिम तो समन वाज नॉट ड्यूली सॉव टू हिम देन एक्स पार्टी डिक्रीबल टू बी सैटिस ठीक है ये एक सिचुएशन है जो साबित कर सकते सा। दूसरा सिचुएशन मान लीजिए समन तो उसको सर्व हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट में एक्नॉलेजमेंट भी है उसमें पाया ऐसा करके रिसीव्ड उसने सिग्नेचर भी किया हुआ है और न्यायालय में आया भी है तब तो नहीं कह सकता कि समन हमको सर्व नहीं हुआ है तो दूसरा भी एक उसके पास रास्ता है क्या सफिसियंट कॉज ध्यान पर्याप्त कारण कथा है जैसे समन तो हमको सर्व हो गया था इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है यह तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप देख सकते हैं हमारा सिग्नेचर है मैंने लिखा हुआ है रिसीव्ड लेकिन समन रिसीव करने के बाद भी ऐसी स्थिति हमारे सामने उपस्थित हो गई कि मैं न्यायालय में उपस्थित होने से फेल कर गया और वो स्थिति ऐसी थी जो पर्याप्त कारण थी कोर्ट कहती है क्या बात थी क्यों नहीं आए वो कहता है कि जैसे आप हमारी मदर एक्सपायर कर गई थी और चूंकि हमारी मदर एक्सपायर कर गई थी उसके अंतिम क्रियाकलाप में करते करते और मुझे एक महीना बीत गया तब मैं आया तो कोई बात नहीं है ये पर्याप्त कारण है वो बताता है मैं बहुत सीवियरी बीमार पड़ गया था और हमको डॉक्टर ने बेड रेस्ट कर दिया था तीस दिन का क्योंकि हमको जो हो गई थी कोई बात नहीं है पर्याप्त कारण है वो कहता है किसी क्रिमिनल मामले में हमारे खिलाफ मामला चल रहा था और वो हमारे खिलाफ डिसाइड हो गया था हम इम्प्रिजनमेंट में हमको जेल में बंद कर दिया गया था बाई द स्टेट और मैं तीस दिन तक जेल में था मैं छूटा हूं तो आपके पास आया हूं ये पर्याप्त कारण है तो पर्याप्त कारण इन देंस दैट कि ही मस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग कि क्यों वो प्रीवियसली नॉन अपियर हुआ कोर्ट ऑफ लॉ में इसका सफिसियंट कॉज है अगर उसने बता दिया आप जो मैंने दो तीन आपको बताया ऐसे हो सकते हैं और ये कोर्ट ऑफ लॉ को सर्टिस्फाई करना है कि ये सफिसियंट कॉज है और अगर ये सफिसियंट है तो फिर उसका बाद खारिज कर दिया जाएगा एक्स पार्टी डिक्री फिर खारिज कर दी जाएगी बात नहीं एक्स एक्सपार्टी डिग्री फिर खारिज कर दी जाएगी ध्यान दीजिए तो ये दो सिचुएशन है जो एक्सप्लेन कर सकता है पॉइंट नंबर वन समन वॉज नॉट ड्यूली सॉव टू मी और ओ आर ऑर देयर वॉर सफिसियंट रीजन नॉट टू अपियर ऑन द प्रीवियस डेट तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर वह साबित कर देता है तो एक्स पार्टी डिक्री खारिज कर दी जाएगी ये रूल तेरह में लिखा हुआ है नियम तेरह आदेश नौ में यह चीज लिखा हुआ है अब ध्यान दीजिए आगे बोलता है प्रोवाइडेड दैट इस रूल को जब पढ़ेंगे तो पहला प्रवि इसका क्या बोलता है कहता है मान लीजिए चार डिफेंडेंट है प्लेटिम ने सूट फाइल किया है ए बी सी डी चार के खिलाफ और जब डेट फिक्स हुई है उसमें चारों नहीं आते हैं चारों नहीं आते हैं और एक्स पार्टी डिसाइड हो जाता है बाद में उसमें से ए न्यायालय में उपस्थित होता है केवल ए चारों प्रतिवादी नहीं आते हैं केवल ए आता है जबकि एक्स पार्टी सबके खिलाफ हो गया था ए आकर के सफिसियंट काज बताता है कहता है जज साहब मैं क्यों नहीं आ पाया क्योंकि हमारी मदर एक्सपायर कर गई थी ये सफिसियंट काज है तो सेटिसाइड करना पड़ेगा भाई बहुत ही सफिसियंट काज है

तो डिक्री को चार भाग में बांट दिया जाएगा केवल ए वाला पोर्शन ही सेटिसाइड किया जाएगा बस तीन लोगों वाला एक्स पार्टी ही बना रहेगा लेकिन अगर डिक्री ऐसी है जो सेग्रीगेबल नहीं है जो सेपरेबल नहीं है वो कंपैक्ट है और ओनली वन है तो उस दशा में कोर्ट क्या करेगी पूरी डिक्री खारिज कर देगी उसमें बेनिफिट उन लोगों को भी हो जाएगा जो नहीं आए उनको भी हो जाएगा क्योंकि डिक्री सेग्रीगेबल नहीं है और एक बंदा तो कम से कम बहुत ही पर्याप्त कारण बताता है तो पूरी की पूरी डिक्री कर दी जाएगी यह पाला प्रवी है ठीक है तो पहला प्रोविजो इस चीज की बात करता है नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर इस रूल में फिर आगे बढ़ेंगे रूल तेरह में तो लिखा हुआ है अगर यह बात होती है इरेगुलरिटी एड डिफेक्ट इन समन ध्यान दीजिए डिफेंडेंट को समन तो सर्व हो गया था डिफेंडेंट को या तो पता चल गया था कि उसके खिलाफ सूट फाइल हुआ है हालांकि वो समन थोड़ा इरेगुलरिटी थी उसमें जैसे लिखा जाना चाहिए था वैसे नहीं लिखा गया जहां तारीख देनी चाहिए थी वहां तारीख नहीं पड़ी जहां सील और सिग्नेचर होना चाहिए था वहां नहीं हुआ थोड़ा सा अलग तरीके की उसकी ड्राफ्टिंग थी एज पर लॉ ड्राफ्ट नहीं किया गया था और डिफेंडेंट कहता है कि हमको तो समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ था जबकि वो इतनी बात जरूर साबित हो जाती है कि इसको पता चल गया था कि सूट फाइल हुआ है इसको ये भी पता चल गया था कि कोर्ट इसको बुला रही है और इसको ये भी पता चल गया था किस दिन हमको कोर्ट बुला रही है सब बात इसको पता चल गई थी लेकिन डिफेक्ट था समन में एरर था संबंध में इरेगुलरिटी था समन में तो केवल इस आधार पे ये नहीं कहा जाएगा कि समन वॉज नॉट ड्यूली सर्व टू हिम ध्यान दीजिए तो इरेगुलरिटी डेजेंट मैटर इन मैटर्स अगर उसको साबित ही नहीं हुआ और उसको सर भी नहीं हुआ तो तो कोई बात नहीं लेकिन सब तो हुआ ना तुमको किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा भी पता चल गया फिर भी मान लिया जाएगा तुमको पता चल गया और उसका डिफेंस लेकर के आप एक्स पार्टी डिग्री को खारिज नहीं कराएंगे ये दूसरा प्रभि है और रूल तेरह में एक व्याख्या है एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे बेयर एक्ट में तो रूल थर्टीन में एक एक्सप्लेनेशन है लास्ट में एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि सेटिंग असाइट पार्टी डिक्री के लिए जब आप जाते हैं तो मान लीजिए आप सेटिंग असाइट के लिए उसी कोर्ट में गए और आप अभी सेटिंग असाइट पेंडिंग ही है तब तक आप क्या करते हैं आप अपील भी फाइल कर देते हैं क्योंकि आपके पास दो रेमेडी है या तो सेट असाइट कराओ या अपील फाइल कर दो मान लीजिए आप अपील फाइल कर देते हैं फॉरगेट अबाउट सेटिंग असाइट इसको दो मिनट के लिए रोक दीजिए मान लीजिए आप सीधे अपील फाइल कर देते हैं और जब अपीलेट कोर्ट में चले जाते हैं अपीलेट कोर्ट में आपका मामला आपके खिलाफ डिसाइड हो जाता है आपके खिलाफ डिसाइड हो जाता है तो अपील तो खारिज हो गई तो क्या फिर इस न्यायालय में आप सेट असाइड करवा पाएंगे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कहता है ना या तो आप सेटिंग असाइट के लिए आइए या तो आप अपील के लिए जाइए अगर आप सेटिंग असाइट के लिए आए हैं तो तो आप केवल इसी को लड़िए अगर आप अपील के लिए गए हैं तो आप अपील में लड़िए अगर अपील में आप जाते हैं और आपकी अपील खारिज हो जाती है तो फिर आप सेटिंग असाइट में आएंगे तो आप नहीं आ सकते आपको रोक दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और वहां से आप हार गए हैं तो अब इस कोर्ट में क्यों आ रहे हो सेट असाइड कराने के लिए घर जाओ लेकिन मान लीजिए आप अपील में गए हैं अभी अपील निस्तारित होने वाली है उसके पहले ही आपने अपने अपील को वापस ले लिया है अभी निस्तारित नहीं होने दिया आपने या तो अपील में गए ही नहीं तब तो आ ही सकते हो अपील में गए हो और वापस ले लिए बीच में डिसाइड होने के पहले तो फिर भी आप यहां पे आ सकते हो लेकिन अपील में गए और अपील मेरिट पे डिसाइड हो गई और इसके बाद फिर आप सेटिंग के लिए आना चाहोगे आर्डर नौ रूल तेरह में तो आपको नहीं आने दिया जाएगा लेकिन इसी का ऐसे वर्षा अगर आप देखें पहले आप आर्डर नाइन रूल थर्टीन में सेटिंग साइट आप एक्स पार्टी डिक्री के लिए इसी कोर्ट में जाते हैं और यह डिसाइड हो जाती है आपके खिलाफ तो फिर आप इसकी अपील फाइल करते हैं ऊपरी कोर्ट में ये चलेगा ये चलेगा लेकिन उधर से इधर नहीं आना है माने नीचे से ऊपर जा सकते हैं ऊपर से नीचे नहीं आ सकते ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है इसको कई बार पूछा भी जाता है तो ये था ऑर्डर नाइन रूल सेटिंग असाइट पार्टी डिक्री इसमें डिफेंडेंट के पास राइट है क्या करेगा डिफेंडेंट सेट असाइट कर पार्टी डिक्री को करा सकता है कब कहेगा समन वॉज नॉट ड्यूली सर्व टू मी और कब कहेगा सफिसियंट कॉज इन दोनों में से कोई भी साबित कर देगा तो खारिज हो जाएगा जब कई डिपेंडेंट है और एक ही आता है डिक्री सेग्रीगेबुल है तो केवल उसी का पोर्शन सेटिसफाइड होगा और नहीं तो सारा का सारा सेटिस्फाइड हो जाएगा समन में केवल इनरेगुलरिटी इस आधार पर सेटिसफाइड नहीं होगा और अगर, अगर अपील में जाना है और खारिज कराने में जाना है तो आपको दोनों में से कोई एक चुनना है अगर आप अपील में जाते हैं अपील मेरिट पे डिस्पोज ऑफ हो जाती है तो आप सेटिसफाइड में नहीं आएंगे लेकिन अपील मेरिट के अलावा विड्रॉल में डिस्पोज ऑफ होती है तो आप आ सकते हैं और यहां पे पहले आप सेटिंग साइड में जाते हैं और ये खारिज हो जाता है आपका मुकदमा तो आप अपील में जा सकते हैं ये लिखा हुआ है रूल में और रूल फोर्टीन बोलता है जो लास्ट अवसर तो दिया जाएगा अपोजिट पार्टी कौन है सेटिंग असाइट जो एक्स पार्टी जो हुआ है किसके फेवर में हुआ है प्लेटिव के फेवर में वादी के फेवर में तो जब आप करेंगे, तो इससे वादी को पीड़ा होगी क्योंकि अभी तक तो विनर था वो पूरा मुकदमा उसके पक्ष में डिसाइड हो गया था अब जब सेट असाइट आप करेंगे तो प्रतिवादी जीतेगा और वादी हारेगा तो ऑलरेडी जीता हुआ पक्षकार है और इसको आप हराने जा रहे हैं बाई सेटिंग एक्स पार्टी डिक्री तो रूल फोर्टीन में लिखा हुआ है कि बिफोर सेटिंग असाइट एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट सेल हियर अपोजिट पार्टी सेल हियर इसमें प्लेंटिव को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और प्लेंटिव के सुनवाई के अवसर के बाद ही सेटिंग असाइट एक्स पार्टी डिक्री पर निर्णय किया जाएगा बिना इसके सुनवाई के अगर सेट असाइड कर दिया आपने एक्स पार्टी डिक्री तो ऐसा सेटिंग असाइड बैड इन लॉ है बैड इन लॉ कानून में ये बुरा माना जाएगा ये कानूनी नहीं है गैर कानूनी मानी जाएगी क्योंकि हियरिंग इंटीग्रल पार्ट है प्रोसीजरल लॉ का प्रोसीजरल लॉ में अगर सुनवाई का अवसर आपने नहीं दिया दोनों पक्षकारों को बराबर रूप में और बिना सुनवाई के एक पक्ष को के तरफ आपने डिसाइड कर दिया तो इसको हम बायस्ड जजमेंट मानते हैं और बायस जजमेंट को हम क्या मानते हैं पक्षपात पूर्ण विभेद मानते हैं पक्षपात पूर्ण विभेद जो है ये धारा चौदह संविधान का उल्लंघन है संविधान का अनुच्छेद चौदह कथाएं आर्बिट्रेरिनेस नहीं होना चाहिए पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए राधर जनता जनार्दन के बीच में समानता होनी चाहिए और समानता कैसे होगी जब निष्पक्ष पूर्ण व्यवहार होगा कोर्ट का तो न्यायालय से उम्मीद करी जाती है जज साहब की कुर्सी भगवान की कुर्सी के बराबर है तो जैसे भगवान विभेद नहीं करता वैसे जज साहब भी विभेद नहीं करेंगे दोनों पक्षकारों को बराबर सुनवाई का अवसर देंगे गुण दोष और मेरिट के आधार पे, साक्ष्य और गवाहों के आधार पे मामले का निस्तारण करेंगे ये कानून उम्मीद करता है ये समाज उम्मीद करता है ये जनता उम्मीद करती है तो इसलिए जज साहब से उम्मीद है रूल चौदह में कि जब आप सेटिंग असाइट एक्स पार्टी करेंगे तो आप दोनों पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर खास करके एग्रीव पार्टी को उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद ही आप एक्स पार्टी डिक्री को खारिज करेंगे तो ये पूरा चौदह रूल था आदेश नौ का रूल एक से लेकर चौदह तक जिसमें तीन सिचुएशन को हम लोगों ने देखा एक हम लोगों ने देखा दोनों पक्षकार आएंगे एक हम लोगों ने देखा डिसमिसल और दूसरा हम लोगों ने देखा एक्स पार्टी कैसे डिसमिसल से भी हम लोगों ने देखा और उसमें विधि के सिद्धांतों के बारे में भी हम लोगों ने व्याख्या किया तो एक बार मैं समप करूं क्या क्या हम लोगों ने देखा हम लोगों ने देखा दोनों पक्षकारों से उम्मीद करी जाती है कि जो भी तारीख फिक्स करी जाएगी दोनों पक्षकार उसमें आएंगे ये उम्मीद करी जाती है अगर आएंगे तो डेट टू डे हेयरिंग होगी और जजमेंट हो जाएगा अब दूसरा स्थिति उत्पन्न होता है कि कोई एक पक्षकार नहीं आता है मान लीजिए फर्ज करिए नहीं आता है तो क्या होगा तो डिसमिसल होगा तो डिसमिसल के कितने आधार हैं डिसमिसल के कई रूल हैं जैसे रूल दो कहता है कि प्लेटिव को क्या करना पड़ेगा प्लेटिव को समन का खर्चा जमा करना पड़ेगा रूल तीन कहता है दोनों पार्टियों को आना पड़ेगा अगर रूल दो और तीन में ऐसा सिचुएशन है जो नहीं कंप्लाई होता है तो रूल चार में क्या हो जाएगा डिसमिसल और जब डिसमिसल होगा तो इस डिसमिसल के लिए एग्री पार्टी को दो ऑप्शन है वो फ्रेश सूट ले आए या सेटिंग फ्रेशल में जाए रूल पांच एक और सिचुएशन गिनाता है कि अगर समन ऑनसॉफ हो गया तो सात दिन के अंदर वादी को कहना पड़ेगा नया समन इशू करो और सात दिन के अंदर नहीं आता है तो सूट फिर डिसमिस हो जाएगा तो इसमें वादी के पास केवल एक ऑप्शन है वो फ्रेश सूट ले आ सकता है रूल आठ कहता है कि वादी आता ही नहीं डिफेंडेंट बार बार आता है तो फिर डिसमिसल हो जाएगा इस डिसमिसल में वादी को केवल एक सा ऑप्शन है वह सिटिंग ऑर्डर करा सकता है अब आ जाइए एक्स एक्स पार्टी पे, एक्स पार्टी पे कहता है कि भाई प्लेंटिव डिफेंडेंट डज नॉट प्लेंटिवियर बार बार प्लेंटिव आता है और अपोजिट पार्टी नहीं आता है और अपोजिट पार्टी को समन सर्व हो गया है तो एक्स पार्टी हियरिंग होगी और अपोजिट पार्टी को अगर समन नहीं सर्व हुआ है तो उसको नया समन भेजा जाएगा अगर अपोजिट पार्टी को समन सर्व हुआ है लेकिन टाइम से नहीं हुआ तो उसको टाइम एक्सटेंड करा जाएगा मान लीजिए पार्टी डेट की हियरिंग पड़ गई क्योंकि समन उसको सर्व था फिर भी नहीं आया था तो हियरिंग में उसको आकर के कुछ बात बताना पड़ेगा अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है मुकदमा चल पड़ेगा नहीं सटिस्फाई होता है पार्टी हो जाए अगर एक्स पार्टी हो गया तो इसको क्या रेमेडी है इसको रेमेडी रूल तेरह में लिखा हुआ है वो आएगा कोर्ट के पास दोनों में से कोई रीजन बताएगा कहेगा काज है या समन हमको सर्व नहीं हुआ था इन दोनों में से जब कोई भी बात बताएगा तो न्यायालय कर देगी सेटिसाइड करने के लिए क्या सारे प्रतिवादियों के खिलाफ कि जो आया है उसके खिलाफ जो आया है केवल उसी का सेटिसाइड होगा लेकिन अगर डिग्री सेग्रीगेबल नहीं है अगर डिग्री एक ही है तो पूरी की पूरी खारिज हो जाएगी समन में इनरेग्युलरिटी है ये कोई आधार नहीं है कि समन आपको सर्व नहीं हुआ था और सेटिंग असाइड के खिलाफ आपके पास दो ऑप्शन है ग्रीब पार्टी को दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये है कि आप अपील करो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेटिंग असाइट डिसमिसल ऑर्डर में जाओ आप अपील भी कर सकते हैं अगर आप अपील में जाते हैं और खारिज हो जाता है सेटिंग असाइट में नहीं आएंगे सेटिंग असाइड में जाते हैं खारिज हो जाता है अपील में जा सकते हैं या अपील अगर आपका मेरिट पर नहीं डिसाइड होकर विड्रॉल पर डिसाइड होता है तो फिर भी आप आ सकते हो यहां पर और रूल फोर्टीन कहता है जब सेटिंग असाइड करेंगे अपोजिट पार्टी को सुनवाई का अवसर देंगे तो इस तरीके से वादों के पक्षकारों के उपस्थिति और अनुपस्थिति के प्रभाव के बारे में हम लोगों ने विस्तृत व्याख्या की आप सभी लोगों ने इस लेक्चर को ध्यान से सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप तक पहुंच गया हूँगा मैं आपको इस आदे, आदेश को समझाने में सक्षम हुआ हूँगा इस नोट के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को नमस्कार धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier now this piece of criticism is particularly damaging because it is true none of shakespeare's plays contain any original story whatsoever they are all written using pre-existing materials pre-existing stories now does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.